महोबा में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल झांसी मिर्जापुर हाईवे पर हथियार के दम पर तीन बाइक सवार बदमाशों ने बाप बेटी से गहने लूट लिए और फरार हो गए। बहादुरपुरा मोड़ क्रॉस होने के बाद मेरे पीछे बदमाश लगे तो मुझे को शक पैदा हुई, तो मैं बाइक रिटर्न करने के बाद वो मेरे जैसे रिटर्न किया, वो आगे निकल के रिटर्न करने के बाद मेरे पीछे आए, मुझे कट्टा लगाने के बाद उसने बच्ची को नीचे गिरा दिया, उसका जो जेवर था वो जेवर उतार लिया, लेके भाग गए। और जेवर लेने गए तो भागने के बाद मुझे कट्टा लगाया, बोले जो तुम्हारे पास तुम भी दे दो, तो मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, सब ले गए, जब से अभी तो कोई सामान मिला नहीं। वहीं इस मामले की सूचना पीड़ित ने थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दो बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। नंबर सूचना है कि मतलब वहाँ पे बेनो मोड़ से लूट हो गई है। हम लोग जैसे गए, जैसे कि मतलब हमें गाड़ी थी, बिना नंबर की पल्सर गाड़ी, वही बरमिल भाई हम लोग, बाकी तो। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस दोनों बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। R9 TV के लिए महोबा से वाहिद अहमद की रिपोर्ट।